नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल और ये जो न्यूज है कल ही आ गई थी और बहुत सारे वीडियोज़ भी मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपके लिए किसी ने भी बिल्कुल करेक्ट और फुल जानकारी जो है वो नहीं दी है। तो अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में फुल जानकारी चाहते हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर और ज्वाइनिंग तक, ठीक है, तो मैं आपके लिए दोस्तों इस वीडियो में पूरा आपका जो है वो ये डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों, इंडियन आर्मी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब इसका प्रस्ताव रखा गया था मई 2020 में। उसके बाद से इसमें कोई भी खबर नहीं आई दोस्तों, और करीब 2 साल बाद इसमें एक खबर आई है कि इंडियन आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी की जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसका जो अंतिम चरण में जो है वो कार्यवाही उसकी पहुंच चुकी है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो भर्ती है वो हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसमें दोस्तों आपके लिए 3 साल के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इस भर्ती से रिलेटेड मैं आपको ज़्यादा जानकारी दूं, उससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैंने जो कहा था वही हुआ। जब मैंने मई 2020 में दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी से संबंधित वीडियो अपलोड की थी, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर इसमें 40 साल एज ली जाएगी, 45 साल एज ली जाएगी, ठीक है, बहुत सारे दोस्तों जो है वो कमेंट्स आए थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि जो मैंने कहा था वही हुआ है, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसी से रिलेटेड मैंने एक बहुत बड़ी बात कही थी और आज की डेट में वो बात सच हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए उस न्यूज की तरफ ले चलते हैं जहां पर ये न्यूज निकली है। तो दोस्तों, ये जो अखबार है वो 7 अप्रैल 2022 का अखबार है और हिंदुस्तान, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या है कि हम आपको बता दें कि तैयारी, सेना में 3 साल के लिए भर्ती हो सकेंगे युवा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, भारत के उन हजारों युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो लंबे समय तक सेना में भर्ती हुए बिना ही सैन्य जीवन का अनुभव हासिल करना चाहते हैं। केंद्र सरकार 3 साल के लिए युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती का मौका देने वाली अग्निपथ भर्ती योजना को अंतिम रूप देने के करीब है, ठीक है। तो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो इंडियन आर्मी में भर्ती होंगे उनके लिए अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व लाया गया था प्रस्ताव। चलिए, इसको भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो प्रस्ताव है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई 2020 में लेकर आए थे इंडियन आर्मी, तो 2 वर्ष पूर्व लाया गया था प्रस्ताव। इस बाबत प्रस्ताव 2 साल पहले 2020 में लाया गया था। सूत्रों ने कहा, सेना में तीनों अंगों में अग्निपथ या टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम पर चर्चा अंतिम चरण में है। प्रस्तुति दी जा रही है कि तीनों बलों के अधिकारियों ने इस स्कीम का समर्थन किया है। सूत्रों का कहना है कि बलों के पास विशिष्ट कार्यों के लिए विशेषज्ञों की भर्ती करने का विकल्प भी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में ही ये जो है भर्ती की जाएगी, लेकिन पहले चरण में दोस्तों 100 अफसर और 1000 जवानों की भर्ती की जाएगी इंडियन आर्मी में। लेकिन दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि इस भर्ती के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के ही दोस्तों जो हाई लेवल ऑफिसर हैं उन्होंने अपनी जो है वो समर्थन इस भर्ती के लिए दे दिया है, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि प्रथम चरण में 100 ऑफिसर और 1000 जवानों की जो है वो भर्ती की जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कि जो कहा वही हुआ, तो चयन मापदंडों में राहत नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी बोला था कि इंडियन आर्मी का चयन मापदंड, यानी कि जो आपका फिजिकल, मेडिकल, रिटन एग्जाम, हाइट, वेट जो भी लिया जाता है, सेम टू सेम इस भर्ती में भी आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, चयन मापदंडों में राहत क्या क्या नहीं मिलेगी वो आपको बता देना चाहता हूँ मैं। युवाओं के लिए सशस्त्र बलों के साथ यह एक स्वैच्छिक जुड़ाव होगा, हालांकि चयन मापदंड में कोई कमी नहीं की जाएगी। एक टूर ऑफ ड्यूटी अधिकारी प्रति माह लगभग 80 से 90 हजार रुपये कमाएगा, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी के तहत इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनकर आना चाहते हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 80 से 90 हजार रुपये होगी। और आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर, जो कि मैंने 2020 में ही ये बात कही थी, कि आपके लिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी जो है वो
छूट नहीं मिलेगी। अगर आपकी एज 17.5 से 21 साल ली जाती है जवानों के लिए तो वही ली जाएगी, और जो ऑफिसर्स के लिए जाती है वही ली जाएगी। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर ही ली जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए जो डाउट था कि आपको एज में छूट मिलेगी, वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक काम की खबर आपकी ये है कि 3 वर्ष के बाद भी कर सकेंगे नौकरी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों 3 साल के बाद आपको 100% लोगों के लिए ही निकाल दिया जाएगा, तो 3 साल के बाद भी कर सकेंगे नौकरी। इसके बाद रक्षा बलों के पास उनमें से कुछ को रोकने सेवा में रखने का विकल्प होगा, ठीक है। आपकी 3 साल की दोस्तों जो जॉब है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद में सेना चाहेगी कि ये अच्छा है या इसकी सर्विस में कंटिन्यू चाहिए, तो वो आपको सेना में रोक भी सकती है। ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद ही आपकी जो है वो आपको मतलब रिटायरमेंट कर दिया जाएगा या सेना से निकाल दिया जाएगा। इसमें सैनिकों को अल्पकालिक अनुप्रचार पर शामिल किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों काम की खबर आपकी, नागरिक सेवाओं में मिलेगी वरीयता। तो दोस्तों इस सेवा से मुक्त सैनिकों को नागरिक सेवाओं में नियुक्ति की वरीयता दी जाएगी। कई कॉर्पोरेट्स ने अग्निवीर की सेवाओं का लाभ उठाने में रुचि दिखाई है, ठीक है, क्योंकि उन्हें सैन्य प्रशिक्षण अनुशासित जनशक्ति से लाभ होगा, ठीक है। तो आप जब 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे दोस्तों, आप इससे निकाल दिए जाएंगे सेना से, तो आपके लिए जो काफ़ी कॉर्पोरेट्स हैं आपके लिए उसमें जो है वो वरीयता दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और टूर ऑफ ड्यूटी से संबंधित कोई भी खबर अगर आएगी तो सबसे पहले आपको उसको मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको वीडियो बता देना चाहता हूँ जो वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आप दोस्तों सर्च मारेंगे टूर ऑफ ड्यूटी बाई सिवा ऑनलाइन क्लासेस, तो ये सभी वीडियोस जो है वो निकल कर आ जाएंगी। तो आपके लिए टूर ऑफ ड्यूटी से संबंधित जो भी डिटेल चाहिए वो आपको इन सभी वीडियोस में मिल जाएगी, और इन सभी वीडियोस का लिंक जो है मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए टूर ऑफ ड्यूटी एकदम से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमें डायरेक्ट मैसेज करके कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।